एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली फुल स्टेप हेयर कटिंग। आज मैंने हेयर कट किया था रात के टाइम में, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का हेयर कट है। लॉन्ग हेयर पे फुल स्टेप हेयर कट बताने वाली हूँ। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लंबे बालों पे स्टेप हेयर कटिंग करेंगे तो कैसा आएगा, कैसा लुक आएगा, क्या होगा, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर बाद में इनका मैंने फ्रंट बैंक हेयर कट भी किया है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और लाइक भरपूर दीजिएगा गाइज, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो आप लोग को अगर ब्लॉग वीडियो देखनी हो, इंटरेस्ट हो उसमें, तो जरूर जाइए चेक कीजिए। और आज मैंने उस पर अपलोड किया कि मैंने क्या क्या सामान खरीदा है और सब कुछ उस पर अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके जरूर चेक कीजिए। और मैं उस पर हमेशा अपनी ब्लॉगिंग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अपलोड करते रहती हूँ, तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ जाइए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को तो जरूर कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा इंस्टा आईडी चाहिए, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स पूछते रहते हैं कि मैम इंस्टा आईडी क्या है, तो प्रीत तिवारी 24 मेरी इंस्टा आईडी है, तो आप जाके प्रीत तिवारी 24 को फॉलो कर लीजिए इंस्टा पे। वहाँ पे आपको मेरी रील्स वीडियो और अमेजिंग पिक्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ, तो आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो जल्दी जाइए और फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा बातें ना करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, हेयर कट स्टार्ट करते हैं। तो ये है लेडी जिनका हेयर कट करना है, तो सबसे पहले मैं इनको कटिंग सीट लगा देती हूँ। कटिंग सीट लगाने के बाद से हेयर कट स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग सीट मैंने इस तरीके से लगाई क्योंकि बैक साइड में मुझे हेयर कट करने जाता है, तो मैंने बैक से फ्रंट की तरफ कटिंग सीट लगा दी है। उसके बाद से मैं क्या करूँगी, उनके बालों को अच्छे से शावर से गीला करूँगी और कॉम की मदद से इसको सुलझाऊँगी अच्छे से। ओके, मैं रात के टाइम पे वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी लाइटनिंग प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ डोंट माइंड। ये रात के 8:30 बज रहे हैं, तो अच्छे से बालों को पहले सुलझा लूँगी। पहले मैं इनका लेंथ कट नहीं करूँगी और बालों में फुल स्टेप दे दूँगी, उसके बाद से फिनिशिंग दूँगी। लेंथ बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अगर आपके भी बाल बहुत लंबे हैं और आप उन्हें स्टेप कट करवाना चाहते हो और आपको लगता है कि आपके बाल छोटे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके बाल बिल्कुल भी छोटे नहीं होंगे और आपके बालों में बहुत अच्छे से स्टेप भी आ जाएगी। और इनका फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें, और फ्रंट बैंक्स कैसा कट हुआ था ये भी देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक ही देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अच्छे से सुलझा रही हूँ इनके बालों को। तो ये बाल इनके लगभग सुलझ चुके हैं अच्छे से। तो चलिए अभी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इनके बालों में कैसे कटिंग स्टार्ट करेंगे आपको अगर फुल स्टेप देना है बालों में, तो मैंने टेबल थोड़ा पास में कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे कटिंग। सबसे पहले मैं जो इनका क्राउन एरिया होता है वहाँ से हेयर को थोड़ा सा उठाएँगे इस तरीके से, जैसे आप पफ बनाते हो उतना हेयर, क्लचर लगाने के लिए आप हेयर लेते हो ना, वैसे थोड़ा सा हेयर लेंगे ऊपर से और उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ऊपर की तरफ इस तरीके से कॉम करेंगे और पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे बालों को। कैमरा भी मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कट करूँगी मैं। तो ये देखिए, इतने हेयर मैंने लिए हैं और इसको ऊपर की तरफ पूरा 90 डिग्री पर सीधा कॉम करके लेके जाऊँगी। ओके, अब यहाँ से कट कर दूंगी, पूरा ऊपर से स्टेप स्टार्ट होंगे। इस तरीके से स्ट्रेट रखना है और फिंगर में इस तरीके से पकड़े हैं हेयर को, और यहाँ से आपको जैसे आपने पकड़ा है वहीं से इसको कट कर देना है। ओके, बहुत ही अच्छे स्टेप आते हैं इस तरीके से, अगर आप फिंगर में हेयर को लेके कट करते हो तो, और आप सीधा सीधा कट कर देते हो तो उससे अच्छे से स्टेप नहीं आता है। ओके, तो ये देखिए कितने प्यारे स्टेप यहाँ पे आ चुके हैं ऊपर में बालों में। अब इसी तरीके से आपको पूरे बालों में देखिए, वाओ, फाइनल लुक मैंने पिक क्लिक की थी वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, तो आप देखते रहिए, पूरा हेयर कट कैसे कर रही हूँ वो भी देखते रहिए। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। इस तरीके से पूरे बालों में जहाँ भी आपको स्टेप की कमी लगे वहाँ पे आपको स्टेप दे देना। फिर मैंने बीच से थोड़े से हेयर लिए हैं इस तरीके से, क्राउन एरिया से जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे, और उसको फिर कॉम करके लेके जाएंगे ऊपर की तरफ।
और बहुत ही प्यारे स्टेप आएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके का हेयर कट। तो ये देखिए मैंने वो सारा हेयर ले लिया, उसके बाद से जो हमने पहले कट किया था उसमें मिला के, ये देखिए गाइडलाइन आपको दिख गई। अब यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे और सीजर को स्ट्रेट रख के थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे स्टेप आ गए हैं इसमें। अभी हम फिर से हेयर को लेंगे, जस्ट उसके थोड़ा सा साइड से हेयर को उठाएंगे। ये देखिए मुझे पूरा स्टेप देना है इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पतली थोड़ी थोड़ी लेयर्स लेके और कट कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी लेयर्स लेके कट करने में बहुत ही अच्छा सा हेयर कट आ जाता है और वही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको सारा कट करते रहना है। वाओ, फिर मैंने साइड से इस तरीके से हेयर को लिया है और थोड़ा सा ईयर के पास से हेयर छोड़ दिए हैं ताकि हमारी लेंथ में और वॉल्यूम में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद सारे हेयर को ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे और जो हमारा छोटा हेयर है लेंथ उसको कट कर लेंगे। फिर दूसरी साइड से भी इस तरीके से हेयर को लेंगे और इसको भी ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। ओके, सेम इसी तरीके से उधर भी कट करना था जो अभी आपको दिखा नहीं, और यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। इसी तरीके जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे स्टेप कम दिख रहे हैं वहाँ से उठाना हेयर और ऊपर की तरफ ले जाके और कट कर देना। आप देख सकते हो कितने प्यारे से स्टेप आ गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप आ गए हैं इसमें। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉम करके दोबारा से एक बार चेक कर ले रही हूँ कहीं पे छूटा तो नहीं। कॉम करके जैसे आप सावा गीले करके और चेक करोगे तो वहाँ से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे स्टेप नहीं आए हैं। तो मुझे बीच में थोड़ी सी स्टेप की कमी लग रही थी तो मैंने इस तरीके से फिर से क्राउन एरिया से हेयर को ले लिया है और ऊपर की तरफ इसको कॉम करूँगी और इसको कट कर दूँगी ऐसे। ओके, यहाँ पे ले लिया मैंने, 2 से 2.5 इंच तक हेयर की लेंथ यहाँ पे कट कर देंगे ताकि हमारे बीच में एकदम स्टेप अच्छे से दिखे। तो ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया। वाओ, तो पूरा ऊपर से फुल स्टेप आ चुके हैं बालों में हमारे। तो इस तरीके से आप फुल लंबे बालों में भी फुल स्टेप हेयर कट कर सकते हो और बहुत ही प्यारा लुक आ जाता है और आपकी लेंथ भी बिल्कुल भी छोटी नहीं होती। फिर मैंने नीचे से भी थोड़े से हेयर यहाँ से उठाए हैं थोड़ा और ज़्यादा स्टेप देने के लिए और उसको फिर कॉम करेंगे और स्ट्रेट ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। जो हेयर निकलते हैं उनको निकलने दीजिए क्योंकि वो हमारे कट चुके हैं और फिर यहाँ से इतने हेयर कट कर देंगे। ओके, तो अभी हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट पैक का हेयर कट डन होने वाला है। तो फिर से मैं एक बार कॉम करके सारे बालों को चेक कर लेती हूँ। तो ये हमने चेक कर लिया और हम मुझे अभी पूरा फाइनल लुक इनका दिख रहा है। तो मैं यहाँ से इनको फिनिशिंग दे रही हूँ इनके बालों में, बस हल्का सा जो एक्स्ट्रा दिख रहा था उसको मैंने कट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे दिखा नहीं आप लोगों को, उसके लिए वेरी सॉरी। तो चलिए अभी मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इनका फाइनल लुक, कितने प्यारे से स्टेप आ गए हैं। इसमें ब्लो ड्राई वगैरह कर देंगे फिर इनके बाल जब सूख जाएंगे तो गजब की कटिंग दिखने वाली है आप लोगों को ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से हेयर कट, लंबे बालों में फुल स्टेप इस तरीके से दे सकते हो। वाओ, तो चलिए फ्रंट का हेयर कट दिखा देती हूँ। तो फ्रंट से ज़्यादा हेयर कट नहीं करना है मुझे, बस थोड़े थोड़े से लेयर्स कट कर देने हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से हेयर लिए हैं और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से ले लेंगे। ओके, इतना हेयर इधर से भी ले लिया। अब पूरा सीधा एकदम कॉम करके ले जाएंगे, नोज के सामने एकदम अपनी नाक के सामने हेयर को इस तरीके से। इतने हेयर नीचे से मैंने छोड़ दिए, फिर पूरा कॉम करेंगे अच्छे से और फ्रंट के सामने एकदम नोज के सामने लेंथ इनसे पूछ के जितना कस्टमर का
का डिमांड होता है उस हिसाब से आपको लेंथ कट करनी होती है। तो इनको ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं चाहिए थे और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे ठोड़ी के पास से इनके हेयर को कट कर दे रही हूँ लिप से नीचे से। और ये देखिए इनका लुक, वाओ, तो बहुत ही अच्छा लुक आया था इनके बालों का। और रात, मैंने बताया कि रात में मैंने वीडियो शूट किया है, इस वजह से थोड़ा सा लाइटनिंग प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। आपको कैसी लगी इनकी हेयर कट? आई होप कि पसंद आई हो आप लोगों को। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट कीजिए गाइज, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बैक का फाइनल लुक था, फ्रंट का आपने देख ही लिया। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इंस्टा और दूसरे चैनल पर। आप लोगों को इनका हेयर कट अच्छा लगा हो, फ्रंट बैक सब कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा और न्यू चैनल को भी, इंडियन यूट्यूबर प्रीति भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।